नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। गहलोत सरकार का चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। सुबह 10 बजे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, इसके बाद दो दिन तक रिपोर्ट देंगे मंत्री। चार साल के कामकाज पर मंत्री और अफसरों का बनेगा ग्रुप। चिंतन शिविर में देंगे प्रेजेंटेशन। चिंतन शिविर में चार साल के कामकाज के बिंदुओं पर चिंतन होगा। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन घोषणा पत्र पर भी चिंतन होगा। तो आज से चिंतन शिविर की शुरुआत हो रही है। चार साल के कामकाज पर मंत्री और अफसरों का बनेगा ग्रुप। पर चिंतन शिविर में चार साल के कामकाज के बिंदुओं पर होगा चिंतन। चिंतन शिविर में देंगे प्रेजेंटेशन। तो गहलोत सरकार का चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। सुबह 10 बजे पहले कैबिनेट बैठक होगी, इसके बाद दो दिन तक रिपोर्ट देंगे मंत्री। चार साल के कामकाज पर मंत्री और अफसरों को मंत्र देंगे और उनसे जानकारी भी लेंगे। चिंतन शिविर में चार साल के कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज से चिंतन शिविर की शुरुआत हो रही है। चिंतन शिविर का मकसद साफ है कि सरकार अपने कामकाज का आकलन करना चाह रही है। चार साल में किस तरीके से कामकाज हुआ है और उन कामकाज के बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा।